श्री भगवानदास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, हम लोग BSc पार्ट फर्स्ट में बोटनी का आपका सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जहां पर प्रीवियस वीडियो तक आपके सिलेबस का जो टॉपिक था आप लोगों का सेल ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर, उनकी डिस्कवरी किसने की है, उनके फंक्शंस क्या है, ये सब कुछ हम लोगों ने जान लिया है कि अपने बोटनी के जो सिलेबस है उसके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गन थे, उनकी किस प्रकार की स्ट्रक्चर थी, किस प्रकार के उनके फंक्शंस थे, वो सारा कुछ हम लोगों ने देखा है। आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्रोमोजोम, या हम कहें गुणसूत्र। गुणसूत्र के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो अगर डेफिनेशन की हम लोग बात करें आप लोगों की कि गुणसूत्र हम किसे कहेंगे, आप लोग देखेंगे कि क्रोमोजोम जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, सूत्रवत अथवा छड़नुमा संरचनाएं होती है जिनके अंदर मोस्टली आपको सेल्फ रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। और ये क्या काम करते हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हैं वहाँ पर संरचनात्मक और क्रियात्मक गुणों को बनाए रखते हैं, और साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये क्या काम करते हैं, आनुवंशिक सूचनाओं को स्थानांतरित करने का काम करते हैं। ये सारा का सारा काम किसका होता है, गुणसूत्र का या क्रोमोजोम का आप लोगों को देखने को मिलता है। डेफिनेशन में एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, गुणसूत्र किसे कहेंगे, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सूत्रवत अथवा छड़नुमा संरचनाएँ होती है, थ्रेड लाइक या रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिनमें मोस्टली सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है, और आगामी जो पीढ़ियाँ हैं उनके अंदर ये संरचनात्मक और क्रियात्मक गुणों को बनाए रखते हैं, और साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं, आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करने का काम करते हैं, जिसे हम लोग मोस्टली गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने जब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था तो आप लोगों ने देखा है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्टली जिसको हम लोग गुणसूत्र कह रहे हैं, वो सारा का सारा आपने देखा है कि प्रोकैरियोट के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, प्रोकैरियोट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियस जो होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, तो जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो सारा का सारा आप लोगों ने देखा है कहाँ पर देखने को मिल रहा है, अपने को साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ देखने को मिल रहा है, जिसको आप लोगों ने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर या इनसिपिएंट न्यूक्लियस नाम दिया था। आपने कहा कि जेनेटिक मटेरियल जो है प्रोकैरियोट के अंदर साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या इनसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन आप बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस आप लोगों को देखने को मिलता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्या है, न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को कवर देखने को मिल रहा है, और ये क्या कहला रहा है, क्रोमोजोम, यानी कि मोस्टली क्रोमेटिन होती है, और उस क्रोमेटिन के आगे आप लोग देखेंगे कि पैकेजिंग वगैरह जो है वो देखने को मिलती है, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, गुणसूत्र या क्रोमोजोम का फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो गुणसूत्र क्या है ये ध्यान में रखना है, प्रोकैरियोट में हम इसे किस नाम से जान रहे हैं, जबकि यूकैरियोट में हम इसे किस नाम से जान रहे हैं, क्रोमोजोम्स के नाम से जान रहे हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आगे हम लोग बातें करते हैं कि जो आपका गुणसूत्र जो देखने को मिल रहा है उसकी डिस्कवरी की हम लोग बातें करें कि इसकी खोज जो है वो किस प्रकार से की गई थी। तो आपको सबसे पहला नाम देखने को मिलेगा कार्ल नगेली। कार्ल नगेली ने जो आपके प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर गुणसूत्रों को छड़नुमा संरचनाओं के रूप में देखा, पादप के अंदर गुणसूत्रों को छड़नुमा संरचनाओं के रूप में देखा, सबसे पहले किसने, कार्ल नगेली। फिर इसके बाद में आप लोगों को दूसरा नाम देखने को मिलेगा होफ मिस्टर। होफ मिस्टर ने क्या काम किया है, आप लोग देखेंगे कि एक प्लांट के बारे में पढ़ा था आप लोगों ने, ट्रेडेस केंसिया। इस ट्रेडेस केंसिया के जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन मदर सेल्स होते हैं,
उनके अंदर इनकी क्रोमोजोम की खोज की है होफमिस्टर ने, ट्रेडेंसकेसिया के अंदर क्रोमोजोम की खोज की है। फिर नेक्स्ट आप लोगों को नाम देखने को मिलेगा वाल्डेर, इन्होंने क्या काम किया है, क्रोमोजोम शब्द का प्रतिपादन किया है। गुणसूत्र नाम किसके द्वारा दिया गया है, वाल्डेर के द्वारा दिया गया है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है वाल्डेर ने गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन किया है। फिर नेक्स्ट शटन बावेरी और वाल्टन, इन्होंने क्या काम किया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्रोमोजोमल थ्योरी का प्रतिपादन किया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, सटन बावेरी या वाल्टन के द्वारा, वाल्टन और सटन के द्वारा क्रोमोजोमल थ्योरी जो है वो प्रतिपादित की गई है, जबकि क्रोमोजोम शब्द किसके द्वारा दिया गया है, वाल्डेर के द्वारा दिया गया है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखें, आप लोगों को नाम देखने को मिलेगा नेक्स्ट साइंटिस्ट का, स्टार्स बर्गर, इन्होंने जो स्टार्स बर्ग है, इन्होंने क्या देखा है कि जो आपके सेल डिवीजन है उन सेल डिवीजन की विभिन्न जो फेज आप लोगों को देखने को मिलती है उनके अंदर गुणसूत्रों को धागे नुमा संरचनाओं के रूप में देखने का काम किसका किया गया है, स्टार्स बर्ग जो है उनका काम किया हुआ है। तो ये सारा का सारा आपको इसकी हिस्ट्री के लिए ध्यान में रखना है कि कार्ल नगेली पादप में छड़नुमा संरचना के रूप में गुणसूत्र को देखा है, होफमिस्टर ने ट्रेडेंसकेसिया जो है उनकी पोलन मदर सेल के अंदर गुणसूत्र को देखा है, वाल्डेर ने क्रोमोजोम शब्द का प्रतिपादन किया है, सटन बावेरी इन्होंने क्या काम किया है, क्रोमोजोमल थ्योरी का प्रतिपादन किया है, स्टार्सबर्ग आप लोग देखेंगे कि इन्होंने क्या किया है, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों को धागे नुमा संरचनाओं के रूप में देखने का काम किया है। तो ये सारा का सारा आप लोगों को इसकी डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे हम बात करें आप लोगों को ध्यान में रखना है थोड़ा सा कि एनिमल जो सेल है इसके अंदर गुणसूत्रों की खोज किसके द्वारा की गई थी, आप लोगों को ध्यान में रखना है वाल्डेर के द्वारा, जबकि प्लांट सेल के अंदर क्रोमोजोम की खोज किसके द्वारा की गई है, स्टार्स बर्ग के द्वारा की गई है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एनिमल सेल के अंदर वाल्डेर के द्वारा क्रोमोजोम का खोज किया गया है, प्लांट सेल के अंदर स्टार्स वर्ग के द्वारा क्रोमोजोम जो है उसकी खोज की गई है। अब इसी क्रोमोजोम के टॉपिक को हम शुरू करें तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को समझना है, आप लोगों को देखने को मिलेगा क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या है इसके बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि क्रोमेटिन हम किसे कह रहे हैं और ये क्रोमेटिन आपको किस किस प्रकार की देखने को मिलेगी। आप लोग देखेंगे कि मोस्टली ये दो प्रकार की होती है, कौन सा, यू क्रोमेटिन और सेकंड नंबर हेट्रो क्रोमेटिन। फिर आप लोग देखेंगे कि ये जो आपकी हेट्रोक्रोमेटिन है ये फिर से दो प्रकार की आप लोगों को देखने को मिलती है, कौन सा, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन और सेकंड नंबर ऑर्गेनाइजर हेट्रोक्रोमेटिन। ये सारा का सारा आप लोगों को मोस्टली क्रोमेटिन के बारे में देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम गुणसूत्र की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो कोशिका विभाजन होता है उसकी जो डिफरेंट फेज आप लोगों को देखने को मिलती है, कौन सी भाई आप लोगों ने पढ़ी हुई है, इंटरफेज होती है, प्रोफेज होती है, मेटाफेज होती है, एनाफेज होती है, टीलोफेज, तो सब अवस्थाओं के अंदर आप लोगों को जो गुणसूत्र है उनकी
जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग प्रकार की आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि आपका जो केंद्रक जो है, जिसके अंदर आप लोगों को मोस्टली गुणसूत्र देखने को मिल रहे हैं, उसकी इंटरफेज अवस्था की हम लोग बात करें, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो गुणसूत्र है वो एक पतले धागे नुमा संरचना के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और इस क्रोमेटिन में मेनली क्या कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है, इसके अंदर मोस्टली आपको ये जो होती है क्रोमेटिन या गुणसूत्र जो होता है मोस्टली वो किसका बना हुआ होता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन जो होती है उसका बना हुआ होता है। अब ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन है, न्यूक्लियो प्रोटीन के अंदर आप लोग देखेंगे कि एक तो न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और दूसरा प्रोटीन की हम लोग बात करें तो प्रोटीन दो रूपों में आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक तो हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा आप लोगों को नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि आपने कहा किसका बना हुआ है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ है। अब न्यूक्लियो प्रोटीन के अंदर आप लोग देखेंगे कि ये तो भाई सारा न्यूक्लिक एसिड है, इसका मतलब इसके अंदर डीएनए भी पाया जाएगा, आरएनए भी पाया जाएगा। और प्रोटीन की बात करें तो आपको दो प्रकार की प्रोटीन देखने को मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब ये हिस्टोन प्रोटीन आप लोग देखेंगे कि मोस्टली H1, H2A, H2B, H3, H4 इन सब टाइप में आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि मोस्टली क्या काम आती है, क्रोमोजोम की जो पैकेजिंग है उसके लिए ये मोस्टली काम में आती है। इसके साथ ही आप लोग देखेंगे कि डीएनए और आरएनए जो है वो भी इसके अंदर मोस्टली देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि क्रोमेटिन हम किसे कह रहे हैं, कि आपका जो न्यूक्लियस आप लोगों को देखने को मिल रहा है वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल एक थ्रेड लाइक पतले धागे नुमा संरचना के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसे हम लोग क्रोमेटिन कह रहे हैं। और ये क्रोमेटिन आप लोगों को दो प्रकार की देखने को मिल रही है, फर्स्ट नंबर आप लोग कह रहे हैं यू क्रोमेटिन और सेकेंड नंबर आप लोग कह रहे हैं हेट्रोक्रोमेटिन। अब यू क्रोमेटिन का क्या मतलब है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब हम क्रोमेटिन को स्टेन करते हैं, अभिरंजित करते हैं, किस से स्टेन करेंगे, हिमेटो जाइलिन और क्रिस्टल वॉयलेट, इन दो अभिरंजकों को काम में लेते हैं, हिमेटो जाइलिन और क्रिस्टल वॉयलेट। इनसे जब आप क्रोमेटिन को स्टेन करोगे तो आप लोग देखेंगे कि एक स्ट्रेन जो है वो तो डार्क स्ट्रेन के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जबकि दूसरा स्ट्रेन जो है वो आपको लाइट स्ट्रेन के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो जो डार्क स्ट्रेन है उसे तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हेट्रोक्रोमेटिन, जबकि जो लाइट स्ट्रेन आप लोगों को देखने को मिल रहा है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, यू क्रोमेटिन। क्लियर है कि भाई आपने स्टेन काम में लिए हैं, इनसे जब क्रोमेटिन को स्टेन किया डार्क स्ट्रेन के रूप में प्राप्त हुआ तो हेट्रोक्रोमेटिन, लाइट स्ट्रेन के रूप में प्राप्त हुआ तो यू क्रोमेटिन कह रहे हैं। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो यूक्रोमेटिन पार्ट जो होता है वो आनुवंशिक रूप से सक्रिय भाग होता है या जेनेटिकली एक्टिव पार्ट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यूक्रोमेटिन के अंदर जो है आपको डीएनए अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, जबकि आरएनए जो है वो आपको कम मात्रा में देखने को मिलता है। और डीएनए अधिक मात्रा में है, इसका मतलब ये क्या करेगा, डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रिया को संपादित करेगा, तो ये क्या है, जेनेटिकली एक्टिव रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हेट्रोक्रोमेटिन, आपने कहा ये कैसा प्राप्त हो रहा है, डार्क स्ट्रेन के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब ये डार्क क्यों आता है, लाइट क्यों आता है, इसकी हम बात करेंगे, आप लोगों का क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर बताएंगे उस टाइम पर, आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे। हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब ये है कि आपने कहा डार्क स्ट्रेन के रूप में प्राप्त हो रहा है। आप लोग देखेंगे कि ये जो हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट है ये आनुवंशिक रूप से अक्रिय भाग होता है, यानी कि जेनेटिकली इन एक्टिव पार्ट के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि इस भाग में डीएनए तो कम है और आरएनए जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और डीएनए कम है इसका मतलब डीएनए से आरएनए का निर्माण जो है वो कम आप लोगों को देखने को मिलता है। इस कारण से ये कैसा होगा, आप लोगों को आनुवंशिक रूप से अक्रिय भाग के रूप में या जेनेटिकली इनएक्टिव पार्ट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है।
आपने कहा कि हेटरोक्रोमेटिन दो भागों में डिवाइड है, फैकल्टेटिव हेटरोक्रोमेटिन और ऑर्गेनाइजर हेटरोक्रोमेटिन। अब भाई आप लोग देखेंगे कि जो गुणसूत्र जो होते हैं वो मोस्टली युग्म में पाए जाते हैं, पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं, एक जोड़ी दो जोड़ी इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोग देखेंगे कि जो युग्म में उपस्थित जो गुणसूत्र है उसके केवल एक भाग, एक ही भाग उसका अगर हेटरोक्रोमेटिक है तो ऐसी हेटरोक्रोमेटिन को हम लोग क्या कर रहे हैं, फैकल्टेटिव हेटरोक्रोमेटिन, यानी युग्म के किसी एक गुणसूत्र का ही हेटरोक्रोमेटिन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और आप लोग देखेंगे कि फैकल्टेटिव हेटरोक्रोमेटिन जो होती है वो बार बॉडी या सेक्स जो क्रोमेटिन है उसका निर्धारण करने का काम करती है। इसी तरह से आप कहें कि ऑर्गेनाइजर हेटरोक्रोमेटिन, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि पेयर में मौजूद जो दोनों गुणसूत्र है वो हेटरोक्रोमेटिक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये मोस्टली आपको जो ऑर्गेनाइजर एरिया होता है जिसमें आप लोग पढ़ेंगे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, तो उन एरिया के अंदर मोस्टली ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्रोमोजोम की जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है, किस तरह की होती है, प्रोकैरियोट में किस रूप में पाए जाते हैं, यूकैरियोट में किस रूप में पाए जाते हैं, डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है, क्रोमेटिन क्या होता है, यूक्रोमेटिन है और हेटरोक्रोमेटिन ये किस प्रकार से आप लोग इनको डिफाइन करेंगे, इनसे रिलेटेड आपका कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो बनने की संभावना है। तो यहाँ पर क्रोमेटिन से रिलेटेड मैटर जो होता है वो आपका कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे कि गुणसूत्र जो है उसके लिए आपको और कुछ पॉइंट्स जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे और साथ ही इसकी स्ट्रक्चर जो है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे देखते हैं अपन इसके, हाँ अब हम बात कर रहे हैं आपकी जो क्रोमोजोम है उसके रिगार्डिंग। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो गुणसूत्र है आपने कहा मोस्टली केंद्रक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो आपको जो सेल्स हैं वो एक तो आप लोगों को सोमेटिक सेल कायिक कोशिकाएं या फिर जर्म सेल जनन कोशिकाएं जो होती है इनके अंदर ये आपको 2N कंडीशन में देखने को मिलता है। और 2N कंडीशन है इसका मतलब इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लोइड फॉर्म के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी तरह हम लोग बात करें गेमिट की, इसके अंदर गुणसूत्र आपको किस रूप में देखने को मिलता है, N फॉर्म के अंदर, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेप्लोइड। इस रूप में आप लोगों को मोस्टली गुणसूत्र देखने को मिलता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा, क्लियर करवाते हैं आपका। आपने कहा कि जो कायिक कोशिकाएं होती है या जो जनन कोशिकाएं होती है उनके अंदर गुणसूत्र जो होते हैं वो द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं, डिप्लोइड कंडीशन में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, 2N पैटर्न जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। वहीं जो युग्मक होते हैं गेमिट्स जो होते हैं उनके अंदर ये किस रूप में पाया जाता है, एन या हेप्लोइड फॉर्म के अंदर अगुणित रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगुणित गुणसूत्रों के समूचे का गुणज में पाया जाना, या आप लोग कह रहे हैं कि ये जो हेप्लोइड नंबर है ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, जीनोम। काफ़ी बार आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीनोम क्या होता है, जीनोम का मतलब हेप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम आल्सो कॉल्ड जीनोम। क्या याद रखोगे, हेप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम आल्सो कॉल्ड जीनोम, या गुणसूत्रों के अगुणित समूचे का गुणज में पाया जाना क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। आप लोग देख रहे हैं भाई ये अगुणित समूचे हैं, यहाँ पर गुणज में पाया जाना दो गुना पाया जा रहा है, कहीं आप बात करें आप लोगों को देखने को मिलेगा एंडोस्पर्म के अंदर आप लोग देखेंगे कि 3N कंडीशन में आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है, तो वो अलग अलग पैटर्न गुणज में इनका पाया जाना क्या कहलाता है, जीनोम, या हेप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम आल्सो कॉल्ड जीनोम जो है उसके रूप में आप लोगों को अगुणित गुणसूत्रों के समूचे का गुणज में पाया जाना। अब आप लोग देख रहे हैं कि जो सोमेटिक सेल है उसके अंदर जीनोम कितने मौजूद है, दो जीनोम जो है आप लोगों को देखने को मिले। भाई
एन को तो आप क्या कह रहे हैं, जीनोम के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर कितने जीनोम जो है, दो जीनोम जो है वो आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलते हैं। क्लियर है ये डेफिनेशन, क्लियरली ध्यान में रखना कि जीनोम किसे कह रहे हैं, सोमेटिक सेल्स में ये किस रूप में देखने को मिल रहा है, गेमिट्स के अंदर गुणसूत्र जो है वो मोस्टली किस रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं अपन, फिर नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा गुणसूत्र के अंदर ही कि सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किसके अंदर देखने को मिलते हैं और सबसे कम संख्या में गुणसूत्र किसे कहाँ पर देखने को मिलते हैं, इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन जाता है। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सबसे कम गुणसूत्र कहाँ देखने को मिलेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोजोम ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये आपका प्रेजेंट है, कंपोजिटी या एस्टेरेसी, कंपोजिटी या एस्टेरेसी फैमिली का मेंबर है। प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं, एनिमल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कि सबसे कम गुणसूत्र आपको कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कंपोजिटी या एस्टेरेसी फैमिली जो है उसका मेंबर है कौन सा, हेप्लो पेपस ग्रेसीलस। ये ध्यान में रखने, कितने क्रोमोजोम होते हैं, 2n = 2। दो गुणसूत्र पाए जाते हैं कंपोजिटी या एस्ट्रेसी के मेंबर हेप्लोपेपस ग्रेसीलस के अंदर। सबसे ज्यादा गुणसूत्र कहां पर देखने को मिलेंगे आप लोगों को ध्यान में रखना है, टेरिडोफाइटा का मेंबर है जिसे हम लोग कहेंगे ओफियो ग्लोसम, ओफियो ग्लोसम टेरिडोफाइटा का मेंबर है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n = 1262 इस पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलता है। गुणसूत्रों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिल रही है, टेरिडोफाइटा का मेंबर ओफियोग्लोसम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। गुणसूत्रों की संख्या सबसे कम कहाँ पर देखने को मिल रही है, कंपोजिटी एस्ट्रेसी का मेंबर है हेप्लोपेपस ग्रेसिलस उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। कितनी संख्या में आप लोगों को देखने को मिलते हैं ये ध्यान में रखना है। इसी के साथ में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि गुणसूत्र की अगर हम लंबाई की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि इनकी जो लंबाई होती है वो मोस्टली आपको कितनी देखने को मिलेगी, 0.5 से लेकर 30 माइक्रोन तक की देखने को मिलेगी। या इनके डायमीटर की हम लोग बात करें, एक करना इसकी कितना देखने को मिलेगा, लंबाई जो है 1 से लेकर 30 माइक्रोन और डायमीटर की हम लोग बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा 100 से लेकर 300 एंगस्ट्रम का जो डायमीटर है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आप लोग बात करें कि सबसे छोटा गुणसूत्र आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगा, आपकी साइज देखने को मिलेगी 0.25 माइक्रोन। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, आप लोग देखेंगे कि ये जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है या जो फंजाई होती है उनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर आप कहें कि सबसे बड़ा साइज जो है, जो कि आप लोग कह रहे हैं 30 माइक्रोन का, ये आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आप लोग देखेंगे कि लीलिएसी का मेंबर है, लीलिएसी फैमिली जो है उसका मेंबर है कौन सा, ट्रिलियम, ट्रिलियम के अंदर आपको 30 माइक्रोन की साइज़ के जो गुणसूत्र है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ साइज़ की अगर हम बात करें कि सबसे छोटी साइज़ किसके अंदर है, बर्ड्स के अंदर है आप लोगों को देखने को मिल रही है या फंजाई के अंदर, लार्जेस्ट साइज़ आपको इनके अंदर देखने को मिल रही है, एक लार्जेस्ट साइज़ और देखने को मिलेगी जिसको हम लोग कहेंगे 300 माइक्रोन। ये कहाँ पर देखने को मिलती है, इंसेक्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ड्रोसोफिला वगैरह उनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जाइंट क्रोमोजोम, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, महागुणसूत्र, कहाँ की साइज़ का, 300 माइक्रोन का आप लोगों को देखने को मिलता है ड्रोसोफिला वगैरह के अंदर। आप आगे पढ़ेंगे पोलिटीन क्रोमोजोम है, स्लेवरी ग्लैंड क्रोमोजोम है, वो सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोग एक बार ध्यान रखें थोड़ा सा कि गुणसूत्रों की सबसे कम संख्या किसके अंदर है प्लांट की बात करें और सबसे ज़्यादा संख्या किसके अंदर है, साइज सबसे छोटी किसकी है, सबसे बड़ी साइज़ किसकी है, जाइंट क्रोमोजोम की साइज़ किस रूप में आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये तो आपका क्रोमोजोम से रिलेटेड आपकी जनरल जो सेलियंट फीचर्स थे वो आप लोगों ने पढ़े हैं।
आगे के टॉपिक में हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।